हेलो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन ओएस 13 का जो अपडेट है वो आप लोगों को किन किन डिवाइसेस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो लिस्ट है ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुकी है वन प्लस की तरफ से, जिसका जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर वन प्लस ने यह लिस्ट जारी कर दी ऑक्सीजन ओएस 13 को लॉन्च करने के साथ में ही। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन ओएस 13 की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आप इस वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। तो क्या कुछ आप लोगों को इस यूआई में दिखने को मिल जाता है, ये सारे पिक्चर्स आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर लॉकडाउन मोर पॉसिबिलिटीज, ऐसे फीचर्स भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं जो कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से AOD में Spotify देखने को मिलेगा, जिसके दौरान आप कुछ प्ले करते हैं। अगर आप ऑर्डर अपना कुछ लगाते हैं तो AOD पर वो भी कुछ अलग तरीके से आपको शो करेगा, ये भी एक खास चीज़ देखने को मिलने वाली है। कैनवास AOD एंड अदर AOD, ये सब कुछ आपको कुछ इस तरीके से कुछ नए फीचर्स ऐड करने के साथ में इनसाइड AOD जो कि ऑक्सीजन OS 11 पर ऐड किया गया था, बिटमोजी AOD भी वहीं पर ऐड किया गया था, ये सारे फीचर्स के साथ में जैन मोड इन्होंने कहा है कि और भी ज़्यादा इन्हेंस किया गया है, और भी ज़्यादा इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं। परंतु यहाँ पर बता दूँ, इनका जो जैन मोड एक्ट है वो 2021 में IF डिजाइन अवार्ड का विनर रहा है। साथ में हाइपर बूस्ट गेमिंग के लिए इन्होंने ऐड किया है, जिसमें यहाँ पर जो GPA 4.0 है उसका यूज किया है। ऐसा इसका जो वर्जन है वो गेम में आपको एडवांटेज देने के लिए ऐड करने की कोशिश की गई है। और पॉसिबिलिटी पर्सनलाइजेशंस के अंदर आपको स्मार्ट लॉन्चर देखने को मिलेगा। इसके अंदर अब यहाँ पर बात कंफर्म हो चुकी है कि आपको कलर OS के दो खास एप्लीकेशन देखने को मिलने वाले हैं, एक है क्लीनर और एक है सिक्योरिटी ऐप। कुछ इस तरीके से आप इन्हें एप्लीकेशंस को आप फोल्ड कर पाएंगे एक फोल्डर के अंदर, जो कि आप बड़ा या छोटा करना चाहें। और यहां पर बर्ड लॉक भी आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ कुछ इस तरीके से आपको साइड बार टूल बॉक्स फ्लोटिंग विंडो भी देखने को मिलेगी, जो कि आप साइड से कुछ ये एप्लीकेशंस निकाल सकते हैं इसके अंदर और कनेक्ट विद वन प्लस। अब यहाँ पर ऑडियो रीमेज्ड किया गया है, जिसके द्वारा आप स्पेशल ऑडियो डॉल्बी एटमोस का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर 3D ऑडियो भी अब आपको एक्सपीरियंस के तौर पर काफ़ी ज़्यादा सराउंडेबल होने वाली है। कनेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं फास्ट पेयरिंग के ऑप्शंस को आपको यहाँ पर इनेबल किया जाएगा, जैसे कि अभी आप देखते हैं क्विक कनेक्ट को, उसी तरीके से ये वर्क करेगा। ऑडियो स्विच का ऑप्शन भी आपको इस पर देखने को मिलने वाला है। ये कुछ खास फीचर्स और नियर बाय शेयर जो है अब और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जाने वाला है, जिसका आप यूज कर पाएंगे कुछ इस तरीके से अपने PC पर भी। ऐसा कुछ हो सकता है कि आने वाले समय में आपको देखने को मिले। और यहाँ पर जो गूगल की तरफ से देखने को मिल जाता है मैसेजिंग ऐप RCS रिच कम्युनिकेशन सर्विस, वो भी और भी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। सेफ गार्ड और सिक्योरिटी के तौर पर ये आपको सेफ्टी सेंटर, कुछ इस तरीके से आपकी जो प्राइवेसीज हैं उसको लेकर के कुछ खास इन्हेंसमेंट किए जाने वाले हैं। इन्हेंस प्राइवेट सेल्फ, जो कि आपको ऑक्सीजन OS 12 पर ही आपको इससे इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। इसी के साथ अब मैं बात करूं किन किन डिवाइसेस पर ये अपडेट देखने को मिलेगा, तो यहां पर सून अवेलेबल फॉर वन प्लस 10 प्रो, कमिंग टू वन प्लस 8, वन प्लस 8 प्रो, वन प्लस 8T, वन प्लस 9, 9 प्रो, वन प्लस नॉट 2, वन प्लस नॉट 2T, वन प्लस नॉट CE, वन प्लस नॉट CE2, वन प्लस नॉट CE2 लाइट इन द फ्यूचर अपडेट। इसके अलावा वन प्लस 7 सीरीज का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इन डिवाइसेस को देखने को नहीं मिलेगा। साथ में वन प्लस नॉट को भी अपडेट अवेलेबल नहीं होगा। आपको थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाने वाली बात कहूँ, अगर वन प्लस 7 सीरीज लॉन्च की गई थी, वन प्लस 7 और 7 प्रो, उसके बाद में वन प्लस 70 सीरीज आई थी, परंतु यहाँ पर वन प्लस 7 और 7 प्रो को लॉन्च किया गया था एंड्रॉयड 9 पर और उसे एंड्रॉयड 10 पर, परंतु यहाँ पर इन्होंने जो एंड्रॉयड है वो एक स्किप कर दिया है वन प्लस 10 डिवाइस को। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर वन प्लस 10T डिवाइस परचेज करते हैं तो वन प्लस 10 प्रो को जितने अपडेट मिलेंगे उतने ही अपडेट वन प्लस 10T को देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर ऑफिशियल आप इनकी वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।